एक ही मोटिवेशन है, इंडिया का नाम। मेरा बहुत लाइफ है मैडम, मेरा लाइफ है क्रिकेट। क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट, मतलब श्वास कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? विदाउट ब्रीथिंग, विदाउट थिंग यू कांट लीव। क्या है एक्चुअली, तीन कैटेगरी होता है, B1, B2 और B3। मेरा घर वाला मेरे को बहुत गाली दे रहा था तू क्रिकेट के वजह से तू ब्लेंड हो गया। घर लोगों ने मेरे को साफ मना कर दिए थे खेलने के लिए। जब तक हम एबल हो सके खेलने के लिए तब तक खेलते रहूंगा। अगर हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते तो हम लोग कुछ नहीं होते, गांव में पता नहीं क्या होता। समर्थ भाई हंडे इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि नया प्लेयर्स को मौका देना था। एज ए कैप्टन, इफ आई गेट अ चांस टू लीड द टीम इन द कमिंग वर्ल्ड कप, जस्ट आई वांट टू विन इट फॉर माय कंट्री। वी ऑलवेज बिलीव आस्किंग एवरीवन एंड टेलिंग दैट आई सपोर्ट क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड एंड डू यू। हम लोगों के पास वो जज्बा है, कुछ करना चाहता है हम लोग, बट वी नीड सपोर्ट। बंद आंखों से तो सभी सपने देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से सपने को पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। शायद इसीलिए इतिहास भी उन्हें ही याद रख पाता है। ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हैं जो सालों से अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा रहे हैं, और वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हमारे इंडियन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। समर्थ भाई हंडे की वजह से ही हम हर दिन ऐसे खिलाड़ियों से मिले जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि देश के हजारों लोगों को मोटिवेट किया है। इस बाइलेटरल चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी, 1983 वर्ल्ड कप विजेता मदन लाल और पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार भी मैदान में पहुंचे। प्रवीण भाई, समर्थ भाई हंडे करता है ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट, तो आपको क्या लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना कितना जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी पहल है समर्थ भाई हंडे जो कर रहा है, बहुत अच्छी पहल है और ये होना चाहिए देश में। ये हम लोगों को सिखाता है जी कि हम लोग जिनके सब चीज है वो नहीं कर पा रहे और ये लोग कर रहे हैं, तो ये हमें इतनी प्रेरणा देते हैं, इतना जज्बा देते हैं, तो हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए और हम वो सीख नहीं पा रहे, तो इनसे सीखना चाहिए, इन लोगों से। ये कैसी कष्ट भरी जिंदगी जीते हैं वो आदमी समझ नहीं पाता। सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना भी चाहिए। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, धीमे धीमे सब जुड़ रहे हैं, जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे हमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ब्लाइंड क्रिकेट को भी उतना ही प्यार दें। मैं सपोर्ट करता हूँ ब्लाइंड क्रिकेट को, क्या आप सपोर्ट करते हैं? या माय नेम इज दुर्गा राव, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम कैप्टन। And I am B3 player from Andhra Pradesh. मेरा नाम सुनील रमेश है, मैं B3 कैटेगरी से खेल रहा हूँ। Myself अजय कुमार रेड्डी, B1 कैटेगरी टीम में बॉलर ऑलराउंडर का रूप से खेल रहा हूँ। That too, you know, before starting blind cricket, मुझे बहुत डिप्रेशन में था मैं, you know, ये ब्लाइंड का बारे में सोच के, विजन मेरे को अकेला क्यों हुआ दुनिया को, दुनिया में सब लोग ठीक है, मैं क्या किया हूँ, मेरे को ये लाइफ नहीं चाहिए बोल के। मैं सात साल था मेरे को, वो टाइम में क्रिकेट खेलने के लिए गया, बाद में गिर के आयरन रॉड लाया मेरा आंख को, इसलिए मेरे को ब्लाइंड। मैं मेरे को सब और एक आंख भी बहुत अच्छे से दिख रहा था, बाद में एक ही आंख को प्रेजर हो गया, वो भी थोड़ा कम होने के लिए चालू हो गया। बाद में मैं सोचा मेरा लाइफ इधर ही खत्म है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा लाइक बचपन से नहीं है, व्हेन आई बॉर्न, मैं जब बॉर्न हुआ वो टाइम पे आई एम लाइक विथ फुल विजन। जब मैं 4 साल का थे, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, लाइक मेरा पेरेंट्स फार्मिंग खेत का काम करता है, सुबह आपको पता है गांव में सुबह 3:30-4 बजे निकल जाता है घर से, मम्मी पापा हर दिन उनका काम हो ही है। मैं एक्चुअली वो दिन घर में पावर नहीं थे, मुझे नींद नहीं आ रहा था, जस्ट मम्मी 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 बोल के मैं ढूंढ रहा था मम्मी के लिए, रूम से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो टाइम पे दो दरवाजा का जो टी टाइप लॉक रहता है वो टुवर्ड्स मेरा साइड, जब मैं रूम से बाहर निकल रहा हूँ वो टुवर्ड्स मेरा साइड ओपन थे। मैं दरवाजा का नजदीक जाने के बाद उसको ऊपर गिर गया हूँ, वो पूरा लेफ्ट के अंदर घुस गया, पूरा खून निकला। फिर 2 घंटे के बाद पेरेंट्स आए, तो उसका काम होने के बाद
पूरा ब्लड निकल रहा है, पूरा घर, पूरा रूम, पूरा ब्लीडिंग था। दे टुक मी इमिडिएटली हॉस्पिटल, उधर सर्जरी भी कोशिश किया बट विजन ही चले गया। डॉक्टर बोला इसकी चांस ही नहीं है, विजन गया, नो चांस। क्रिकेट कितना इम्पोर्टेंट, मतलब श्वास कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए। विदाउट श्वास, विदाउट ब्रीथिंग, विदाउट थिंग यू कांट लीव। सेम विदाउट क्रिकेट आई कांट। बहुत बार लगा है मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। वो ये बोल रहा है, ये बोल रहे पता नहीं है, छोड़ना है, छोड़ना, हो गया हो गया हो गया, बस 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 बस, बट नहीं आ रहा है, नहीं हो पाएगा। मेरा एक ही इच्छा है, लास्ट बिट शुड बी ऑन द ग्राउंड।